नमस्कार, मैं हूं प्रसून। बात आज पहले पर्दे पर आने वाली ऐसी सच्चाई की जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को बेहद चुभती है। तुष्टीकरण करने वाले अपने लोगों को, या कहे कि एक धर्म विशेष समुदाय को धर्मांध बनाकर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। यही बात दूसरे तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कही है। हमारे 12 फिल्म को लेकर उठे विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट में पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमारे 12 फिल्म देखी गई है और इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगी। फिल्म का उद्देश्य वास्तव में महिलाओं का उत्थान है। जस्टिस बीपी कोला बावला और फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ का यह फैसला आया, उसमें कई टिप्पणियां भी की गई। कोर्ट ने फिल्म हमारे 12 देखी और उन्हें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा। फिल्म हमारे 12 का उद्देश्य वास्तव में महिलाओं का उत्थान है, ऐसी टिप्पणी कही की गई विद्वान न्यायाधीशों द्वारा। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर चिंतन मनन किया जाए, न कि एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर दर्शकों से अपेक्षा की जाए कि वह अपना दिमाग घर रख कर इसे देखें। यानी कोर्ट साफ कह रहा है कि आपको इस फिल्म को देखते हुए अपना दिमाग खोल कर रखना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि इस फिल्म में मौलाना को कुरान की गलत व्याख्या करते हुए दिखाया गया है और एक मुस्लिम व्यक्ति उसी दृश्य पर आपत्ति जताता है। ऐसे में लोगों से यही अपेक्षा की जाती है कि लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे मौलानाओं की बातें आंख मूंद कर नहीं माननी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उन्हें फिल्म देखकर नहीं लगा कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो हिंसा भड़काने वाली हो। भारत की जनता इतनी भोली या मूर्ख नहीं है कि उसे यह सब समझ में ना आए। फिल्म निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड के प्रमाण पत्र पाने से पहले ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया था, इसीलिए अदालत ने उस पर जुर्माना लगाया। ट्रेलर रिलीज करके उल्लंघन तो किया ही गया, इसीलिए याचिकाकर्ता की पसंद की चैरिटी के अनुसार भुगतान करना होगा। अदालत ने निर्माताओं को सावधान रहकर काम करने की सलाह दी। रचनात्मक स्वतंत्रता की आड़ में किसी भी मजहब की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संवाद और दृश्य नहीं जोड़े जाने चाहिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की कि निर्माताओं से कहा कि वे किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अल्पसंख्यक कौन है। PIB की प्रकाशित जानकारी बताती है कि उस समय 2011 में मुस्लिमों की संख्या 17,22,45,158 के आसपास थी, जो आज के समय में करीब 23 से 24 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि सिखों की संख्या 2,83,300 से ज्यादा थी। वहीं ईसाइयों की संख्या 2,78,19,588 थी। वहीं जैनों की संख्या 8,45,153 और बौद्धों की संख्या 8,44,00,000 से ज्यादा थी। देश में 19.3% अल्पसंख्यकों में से मुसलमानों की जनसंख्या 14.2% है। वहीं ईसाइयों की संख्या 2.3% है, सिख की संख्या 1.7%, बौद्ध की संख्या 0.7%, जैन की संख्या 0.4% और पारसियों की संख्या 0.006% है। ऐसे में साफ है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल मुस्लिमों के कंधे पर रखकर ही राजनीति की बंदूक चलाई जा रही है। केवल अल्पसंख्यक की भावनाएं आहत हो जाएंगी जैसी बात करना राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सामाजिक उत्थान का नहीं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनु दीक्षित, और जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, और CM अपने जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ेंगे हमारे साथ, और इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की जो टिप्पणियां आई हैं वे बेहद ही चौंकाने वाली। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी हैं। तनुज जी, आपने पूरी रिपोर्ट सुनी,
आपको क्या लगता है उसके बाद भी इस तरह की जो कहा जा रहा है फिल्म में महिलाओं को के उत्थान की बात की जा रही है, उनको जागृत करने की बात हो रही है, लेकिन कट्टरपंथी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, क्या बॉम्बे हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब ये रुकेंगे? प्रसून जी, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है बहुत बहुत अहम टिप्पणी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि फिल्म के निर्माताओं को संज्ञान में लेना चाहिए कि किसी भी तरीके की जातिवाद या किसी भी तरीके की धर्म को कोई भी आहत ना पहुंचे, ऐसा उन्हें इस फिल्म में विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो टिप्पणी है बॉम्बे हाईकोर्ट की, ये बहुत अहम टिप्पणी है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अब इससे सीख भी लेंगे और इस तरीके की अगर कोई भी फिल्म के अंदर अनर्गल मुस्लिम समुदाय को लेकर के कोई भी बातें हैं तो उसको हटा करके आगे फिल्म को प्रसारित करेंगे। नहीं नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा कि इस फिल्म में इस तरह की कोई बात नहीं है, महिलाओं के उत्थान की बात की जा रही है, उनके साथ जो गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है कुरान के नाम पे, उसके खिलाफ जन चेतना को जागृत किया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मुस्लिम कट्टरपंथी या मुसलमानों के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अब बाज आएंगे अपनी आदत से? देखिए, जो भी राजनीतिक लोग होते हैं मुस्लिम समुदाय के नाम पे, जो भी दल राजनीति करता है, ये तो हम समझते हैं कि काफी समय से इस तरह की राजनीति जो है देश में कई पार्टियों के द्वारा चलाई जा रही होते आ रही है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगर ये कहा है कि फिल्म को मैं महिलाओं के उत्थान के लिए है, ना कि उनको किसी तरीके से और आहत पहुंचाने के लिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं के द्वारा भी संतुष्टि इस मुद्दे में जो है मिली है। तो ऐसा लगता है कि जो फिल्म इस तरीके के दृश्य होंगे जिसपे पहले विवाद था, जब ट्रेलर आया था तब भी काफी विवाद था, तो शायद वो दृश्य या इस तरीके की जो भी भाग जिससे आहत पहुंचना थी या इस तरीके का होना था वो हटा लिया गया होगा निर्माताओं के द्वारा। साथ ही साथ अब जो बॉम्बे आपको फिर बता रहा हूँ तनुज जी, उसमें कोई जो उनको फिल्म दिखाई गई बॉम्बे हाई कोर्ट में रिलीज के समय, उसमें बताया गया कि कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं रही। सवाल इतना है कि आप 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसके बारे में जो आप व्याख्या दे रहे हैं उससे कोई भी आज का समझदार व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपने जी, अगर सामाजिक बुराइयों पे भी फिल्म बनाई जाती है तो कहते हैं कि कुरान का अपमान किया जा रहा है, इस्लाम खतरे में है। पपने जी, हाँ बिल्कुल प्रसून जी, जिस तरीके से अपना ये अपना मुंबई हाई कोर्ट का जो अपना निर्णय आया है, एक्चुअली जैसा होता क्या कि जिसे कहा भी गया, जिसे चर्चा भी यहाँ पर चल रही है कि एक्चुअली जब आपकी याचिका ही अगर गलत दायर की है एक्चुअली बात की है तो उसमें कोर्ट क्या कहेगा एक्चुअली बात की है। हालांकि जिस तरीके से अपना 1992 में जब अपना सरकार ने पूरा एक अपना अध्यादेश ला के एक नया एक अपना जिससे एक अपना पूरा ये बनाया गया था, एक अपना कायदा कानून बनाने की कोशिश की गई थी, अपना जो है कायदा कानून बनाया गया था अच्छी बात यह है, अल्पसंख्यक आयोग का अपना गठन किया गया था, लेकिन है क्या कि दरअसल वो सिर्फ इसलिए था कि चलो एक अपना जनमानस के भीतर सद्भाव बना रहे, सारी चीज बना रहे अच्छी बात यह है। लेकिन जहां पर अपना जो है समाज के अंदर जो है जब अपना एक धारा ही अपना बिगड़ने लगता है, चाहे वो लोक संस्कृति के लिहाज से हो, चाहे अन्य लिहाज से हो, चाहे रख रखाव के लिहाज से हो, चाहे व्यवस्था के लिहाज से, इसी बात की है तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि सरकार भी सोचती है कि अब आगे क्या किया जाए, इसी बात की है। और जिस सरकार ने अपना जो है पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से आयोग बनाने की अपनी पूरी कोशिश की, सारी चीजें की इसको अपना पूरा उसको लागू करने की कोशिश की, इसी बात की है, तो उसको यह भी अधिकार है इसी बात की है कि इसको वापस भी ले सकती है, इसी बात की है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से अपना जो हाईकोर्ट ने अपना एक निर्णय अपना जो अपना यहाँ पर दिया है तो वह उसी चीज को अपने मद्देनजर रखते हुए ही अपना पूरा अपना एक निर्णय दिया है कि अपना जिस तरीके से कोई इस तरीके से कोई अपना मूल कोई परिभाषा इस तरीके से दिया अल्पसंख्यक की अच्छी बात यह है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि संविधान की जो भूमिका यहाँ पर अपना को लेकर जो अपना अपना कोर्ट ने जो अपना एक फैसला लेने की कोशिश की है तो मैं समझता हूँ कि उसका अपना नजरिया बिल्कुल अपना एक अपना जजों का नजरिया बिल्कुल अपना एक दल समाज के लिहाज से, एक राष्ट्र के लिहाज से ठीक ठाक है। और आगे तो फिर ये अपना जो है एक कानूनी बातें होती है, कहाँ तक जाएंगे, कितने आगे बढ़ेंगे, ये समय बताएगा। पपने जी, अदालत की एक टिप्पणी यह भी रही कि मुस्लिम समुदाय को आप केवल अल्पसंख्यक नहीं कह सकते हैं, इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। उनका कहने का मतलब ये था कि बार बार अल्पसंख्यक कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए मुस्लिमों के नाम पे। इसे आप कितनी बड़ी टिप्पणी मानते हैं?
दरअसल दरअसल जिस तरीके से अपना इसका जो कार्ड खेलने का अपना जो वह है अपना जो इस तरीके से अपना एक अपना जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो मैं समझता हूँ ये कोर्ट की अपनी समझ है अपनी बात की है, क्योंकि जो कोर्ट का निर्णय होता है पूरा मान्य होता है अपनी बात की है, उसे मान्य अपना जो है अपना जो समुदाय को मान्य करना भी चाहिए अपनी बात की है। तो यहाँ पर है क्या कि जिस तरीके से अपना अगर हम एक पूरे अपने एक राष्ट्र के अपना उस पर अगर एक इसका एक अवलोकन करते हैं धरातल पर जाके, तो कोई ऐसा नहीं है कि हर जगहों पर इसलिए अपना जो है इनका जो हम इनको अल्पसंख्यक कहेंगे अपनी बात है, कहीं कहीं पर ऐसा है कि अपना इनका जो है काफी ये बहुसंख्यक भी है इसलिए बात यह है। जिस तरीके से अभी अपना अपना जो लोकसभा का चुनाव हुआ है हमने देखा भी है कई जगहों पर इस तरीके से अपना जो है कई अपना अपना विधानसभा के क्षेत्र ऐसे है कि जहाँ पे आपका ये अपना बहुसंख्यक है इसलिए बात यह है। तो यहाँ पर कई हमारे अपना धर्म विशेष अपना वर्ग विशेष इसलिए बात यह है, तो इसमें जो है अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगहों पर जो है उनकी अपना संख्याओं का एक पूरा अपना अनुपात है। तो ये अपना जिस तरीके से अपना जो कोर्ट का एक अपना डिसीजन दिया है, मैं समझता हूँ संविधान के अपना जो हमारे एक अपना संवैधानिक तौर तरीके से जो अपना निर्णय अपना लिया गया है जो हमारे संविधान में दर्ज है, तो मैं समझता हूँ उसी हिसाब से ही अपना ये कोर्ट ने अपना निर्णय अपना लिया है जी। और ये ठीक ठाक है एक्चुअली बात जी। तनुज दीक्षित जी जी, अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो भारत में कुल तकरीबन 20% अल्पसंख्यक माने जाते हैं, जिसमें मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया फिर से। मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ अभी आ रही, बताइए। अच्छा तनुज जी, जी देश में भारत जैसे देश में अगर अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो 20% मानी जाती है कि अल्पसंख्यक आबादी है, उसमें से 15% के करीब मुस्लिमों की आबादी है, यानी अल्पसंख्यकों में जो सबसे बड़ा दायरा है वो मुस्लिमों का है, वो भी 15% 16% के करीब, और सबसे ज्यादा आपत्ति उन्हीं की तरफ से जताई जाती है, न ईसाई की तरफ से आपत्ति जताई जाती है, न सिख की तरफ से आपत्ति जताई जाती है, न बौद्ध की तरफ से जताई जाती है, न जैन की तरफ से जताई जाती है, न पारसियों की तरफ से, जबकि ये सब समाज के बेहद पढ़े लिखे और संपन्न धर्मों में आते हैं। तो क्या मान लिया जाए कुरान या इस्लाम में जो सुधारवादी ताकतें हो इसलिए दब जाती हैं क्योंकि शिक्षा का अभाव है, या वह बदलते युग में अपने आप को समाहित नहीं करना चाहते हैं? तनुज जी देखिए प्रसून जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के ऊपर ही लेकर के क्यों सभी लोग इस तरह की फिल्में भी देखी, जब आपने दूसरी जातियों की बात करी, दूसरी माइनॉरिटीज की जातियों की बात करी, तो देश में मुस्लिम सिख ईसाई इसके अलावा बुद्धिस्ट और जैन और उसके अलावा पारसी, ये सारे समाज भी माइनॉरिटीज में आते हैं। लेकिन आप देखिए कहीं पे भी हम देखते हैं कि जब कभी भी फिल्मों में या अन्य किसी भी तरीके से जब कभी भी कोई धारणा लेकर के चलते हैं, राजनीतिक दल हो वो जब कभी भी अपनी राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति या इस तरह की कोई बातों को लेकर के आते हैं, तो हमेशा समुदाय वर्ग विशेष होकर के सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रह जाता है। नहीं, मुसलमानों तक सीमित नहीं रह जाता है। तनुज जी मेरी बात सुनिए आप, मुसलमान सबसे ज्यादा विरोध करते हैं समाज सुधार का, और अंदर सुनिए मेरी बात तनुज जी, अंदर से कोई समाज सुधारक अगर पैदा होता है तो उसको इस तरीके से दबाया जाता है कि पता नहीं चलता वो कहाँ गया। इस बात को तो भारत में स्वीकार ही किया जाना चाहिए, रशिया में आप नहीं, सीरिया में आप स्वीकार नहीं कर सकते इस बात को, अफगानिस्तान में नहीं स्वीकार कर सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भारत में तो स्वीकार करेंगे ना इस बात को? निश्चित रूप से जो अन्य देशों का जो भी हालात हो उससे मुझे इतनी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन भारत में हम अनुज जी आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठे हुए हैं और इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ जो आपको जानकारी ना हो। इस्लाम के नाम पे या कुरान के से अलग हटके सोचने पे भले से वो उनके खिलाफ जाता हो, आप कितने ऐसे चेंजेस लाए हैं समाज सुधार के लिए? निश्चित रूप से, लेकिन मैं प्रसून जी यही आपको बता रहा हूँ कि अनुज जी दो चार चीजें और बता देता हूँ मैं आपको। बात बुरके की होती है, अगर कुरान की बात कर ली जाए तो पुरुषों के लिए भी वही नियम कानून लागू है जो महिलाओं के लिए लागू है, तो क्या अगर महिलाओं को टीवी पे दिखना बंद हो जाना चाहिए? क्या इसमें चेंज आना चाहिए? अगर आ गया है तो क्या उसको वापस उसी तरीके से ले जाएंगे? बुरके पे कहानी शुरू हो जाती है, तो ऐसे विषयों पे अगर फिल्म बन रही है तो क्या बुरी चीज है? देखिए इसमें क्या है प्रसूद जी, मुझे लगता है कि जो मुस्लिम समुदाय के जो वरिष्ठ लोग हैं जो इस तरीके के हैं उनको थोड़ा सा साथ में लेकर के किसी बड़े स्तर पे एक बैठक होनी चाहिए और उसमें कोई इसका हल एक समुदाय निकाले कि महिलाओं को जो इस तरीके से जो आजकल उनके उत्थान के लिए जो विषयों पे चर्चा की जा रही है। तनु जी आपको बताऊं, जो आप कह रहे हैं उसी विषय पे आज तक 70 साल से लोग मुस्लिम नेताओं से आशा करते थे कि वो आगे बढ़ के कोई फैसला करेंगे,
और जबकि ऐसे फैसले नहीं हुए। अब सरकार की बारी है और अदालतों की बारी है समाज सुधार की चीजें अपने हाथ में लें। को मुस्लिम कमीशन को साथ में माइनॉरिटी कमीशन को इसमें आगे आना होगा, सरकार को बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात कहा तनुज जी। पटने साहब तनुज जी कह रहे हैं कड़े कदम उठाने चाहिए और तभी समाज सुधार होगा। बिल्कुल प्रसून जी, बिल्कुल अपना जो जिस तरीके से अपना जिस तरीके से कहा भी है असली बात यह है, और अपना अल्पसंख्यक अपना जो है वो अपना जिस तरह अपना संविधान के जैसे परिभाषा जो दी गई है असली बात यह है कि अल्पसंख्यक वो समुदाय है जो केंद्रीय सरकार जो अधिनियम अपना लागू करे असली बात यह है। तो ठीक है, इसकी भलाई के लिए सब कुछ करने के लिए अपना जो 1992 में जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपना गठित किया गया और उसके बाद जिस तरीके से पूरा सुधार की तो कोशिश की गई ना। अभी आपने जिस तरह जिक्र किया कि ये सुधरना नहीं चाहते असली बात यह है, अपना जो है अपना शिक्षा का अभाव है, दूसरा कई चीजों का अपनी आपने जिक्र की यहाँ पर क्या बात यह है। तो यहाँ पर कुल मिला के जिस तरह से भी यहाँ पर चर्चा चल रही है तो यहाँ पर जो है पहले एक अपना एक सामंजस्य बनाने के लिए असली बात यह है, एक अपना पूरा एक अपना जिस तरह के जितने भी जो अधिकार मिले सबको अधिकार मिले, संविधान सबको अधिकार देता है असली बात है, सबको जीने की राह देता है असली बात है, किसी भी अपना काम धंधे को अपनाने की अपनी पूरी अपना इजाजत देता है असली बात यह है। तो यहाँ पर इस लिहाज से इसलिए यहाँ पर जो है जो आयोग है इसलिए बात की है उनको ये चाहिए क्योंकि भूमिका बहुत बढ़ जाती है कि आगे भविष्य में किस तरह क्या किया जाए, किस तरीके से आपका किस समाज का उत्थान किया जाए। अपने साहब आपकी बात अगर हम समझते हैं तो इसका मतलब यही है कि अगर समाज सुधार करना है, लोगों का उनका हक देना है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उनको हर इंडिविजुअल को उनका अधिकार मिले, निजी तौर पर उनका अधिकार मिले, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी इंटरफियर करना पड़ेगा, उसको उसमें दखल देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल दखल देना भी चाहिए अगली बात से, क्योंकि दरअसल जिस तरह हालात है तो आप समय समय पर अपने आपको अल्पसंख्यक अपना कहते रहेंगे और बाकी जो चाहे हम जैन धर्म हो, चाहे अपना सिख धर्म हो, चाहे वो अन्य अपने ईसाई धर्म हो, चाहे अन्य भाई वो भी तो एक पूरा ये लोग यहाँ रहते हैं अगली बात से, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न अपना बोलियों के वो लोग यहाँ पर रहते हैं अगली बात है। तो हर किसी की अपने अपना जो अपना क्षेत्र विशेष अगली बात है और हर कोई चाहता है और जो भी अपना हमारे वर्ग विशेष है हर कोई देश के लिए काम कर रहा है, हमारे राष्ट्र के लिए काम कर रहा है ऐसी बात है, तो राष्ट्र हित सबसे बड़ा हित ऐसी बात है। तो यहाँ पर इन जो बड़ी बात कह रहे हैं साहब कि राष्ट्र सबसे ऊपर देखा जाना चाहिए और राष्ट्र क्या है, यहाँ की आवाम है, यहाँ के लोग हैं, उनके हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। तनु जी अगर मान लिया जाए धर्मों के ऊपर हमला न बोला जाए तो कुरीतियां कैसे खत्म होंगी, सती प्रथा कैसे खत्म होती अगर अंग्रेज सरकार उसको सपोर्ट नहीं करती। देखिए मैंने अभी आपसे कहा निश्चित रूप से सरकार को कोई बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, सरकार को समस्त समुदाय माइनॉरिटीज के लिए क्या आगे कर सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए क्या आगे कर सकते हैं, इसकी नीतियां तय करना होगी। नीतियां तय है, मुझे लगता है कट्टरपंथियों को हर तरीके से दरकिनार करना होगा। देखिए ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, पर जब तक राजनीति मुद्दे की बात आती है तो हमेशा सरकार पार्टियां समस्त लोग तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं। जब हम तुष्टीकरण की बात करते हैं तो देखिए समाज में सर्व दल सर्व जाति को लेकर के चलना पड़ता है एक राजनीतिक दल को, और मुझे लगता है तुष्टीकरण सिर्फ मुस्लिम समुदाय के साथ ही नहीं लगभग सभी समुदाय के साथ में उतना जरूरी है जितना की एक समुदाय के साथ, क्योंकि देखिए तुष्टीकरण जी मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, सबसे ज्यादा दुरुपयोग मुस्लिम समुदाय के साथ होता है। कारण क्या है कि सिखों के ऊपर तमाम फिल्में बनी है, उनका हंसी मजाक का पात्र बना के उनको दिखाया जाता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं होता है क्योंकि माना जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पंडितों को एक चापलूस बना के दिखाया जाता है, ब्राह्मणों को दरिद्र बना के दिखाया जाता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे वो भी दिखाया जाता है और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, माना जाता है ऐसे पात्र हो सकते हैं समाज में। लेकिन जैसे ही मुस्लिम समुदाय की बात होती है वैसे ही पूरी खलबली मच जाती है, नहीं नहीं इनको जैसे हैं वैसे ही रहने दो। अरे भाई सरकार चाहेगी नहीं बदलाव, जो वहाँ के नेता हैं वो चाहते नहीं बदलाव, चूंकि वो चाहते हैं कि गाय की तरीके से बैल की तरीके से भेड़ की तरीके से हाँक के लेते जाए, तो सुधार करेगा कौन, नीचे वाले व्यक्ति को तो दबा दिया जाता है कुरान के नाम पे। तनुज जी प्रसून जी देखिए निश्चित रूप से
आपने जिस तरीके से कहा, जब कभी मुस्लिम समुदाय की बात आती है तब हमेशा बहिष्कार होता है या कुछ इस तरीके की बातें होती है, तो देखिए समाज की जो एकता है वो यहाँ हमको देखने को मिलती है। जब सर्व समाजों की बातें आती है तो सभी समाज को अपने अपने पक्ष के लिए अगर कुछ गलत दिखाया जाता है किसी चित्र में, चित्रपटल पे, फिल्मों में, तो वहां पर दूसरे समाजों को भी अपनी बातें रखने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, तो निश्चित रूप से उन्हें भी अपनी बातें उसी स्तर पर रखना पड़ेंगी। और अगर नहीं भी रख पाते हैं और मुस्लिम समुदाय अपनी बातों को रखता है कोर्ट के माध्यम से, मैं तो तरुण जी कह रहा हूँ, आप अभी इसी समय बता दीजिए कि वो अपनी क्या बात रखना चाहते हैं फिल्म में। नहीं, जो गलत है, देखिए कुछ सीन रहे होंगे, फिल्म तो हमने देखी नहीं, रिलीज हुई नहीं, ट्रेलर के अंदर कोर्ट ने देख ली ना, हमें और आपको देखने की जरूरत ही नहीं, कोर्ट ने दे दी हरी झंडी, सेंसर बोर्ड ने पहले दिया था हरी झंडी, फिर कोर्ट ने दे दी हरी झंडी, अब देखने की क्या जरूरत है। आप तो फिल्म जाइए देखिए, कुरीतियां हैं उनका विरोध करिए, कहिए कि ऐसा जिस भी समाज में हो रहा है उसके उसको नहीं होना चाहिए। जी, मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो भी सीन थे, आपत्तिजनक दृश्य थे, वो हटाने के बाद ही मंजूरी दी है। नहीं, कोर्ट ने कोई सीन नहीं हटवाया है, सेंसर बोर्ड के पास जब पास हो गया था उसके बाद हूबहू जैसी फिल्म रिलीज होनी थी वैसी दिखाई गई। निश्चित रूप से कुछ आपत्तिजनक दृश्य थे ऐसा सुनने में आया, जिसे हटवाया गया है निर्माता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उसमें कोई दृश्य आपत्तिजनक नहीं थे, जो टीजर रिलीज हुआ था वो सेंसर बोर्ड की अनुमति से पहले रिलीज हुआ था, जिसपे जुर्माना लगाया गया और कहा गया कि आप चैरिटी में दे दीजिए। इसका मतलब यही है कि आप सेंसर बोर्ड से परमिशन लीजिए, अगर सेंसर बोर्ड परमिशन देता है तो आप आगे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कट्टरपंथियों और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करने वाले लोग जो चाहते थे कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हो, वो भी अपनी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग चलते रहिए APN न्यूज के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।